स्टेशन। यार आज भूख लग रही है, आज तो खिलवा दो कहीं खाना। हाँ यार सही कह रहा यार, आज तो कुछ नारी रोटी वगैरह हो जाए। नहीं हाँ अबे बर्फ आ रहा है बरेली से। अच्छा। बरेली की बुकिंग थी बड़ी मोटी, आज उसी से पार्टी खाएंगे। अबे कुछ नहीं है, वो आते ही देखो कोई सी स्टोरी सुनाएगा और ऐसा हो जाएगा बिल्कुल बेचारा। कभी कभार तो मैं सोचता हूँ पैदे ही क्यों, ये ड्राइवर बनना गुनाह। यही नहीं अभी और सुनिए आगे नई स्टोरी। क्या हुआ बर्फ भाई? मैं हुआ क्या सर, सुबह ही सुबह पता नहीं किसकी शक्ल देख ली और शक्ल में याद आई साली मैंने खुद की अपनी वीडियो देखी थी। तुम ये सोच रहा हो क्या बहुत कमा के लाया हूँ बरेली से? बहुत, हम तो मुंह बना के बैठे खाने के लिए। तो भाई खाने के लाएंगे। अरे भाई मेरी बात सुनो, सवारी थी एक तरफ की। अबे साले और सब कुछ बहुत बढ़िया था, मैंने आपसे बोला भी था, लेकिन वापसी की भसूड़ी हो गई। मैं बस स्टैंड में बरेली की आवाज़ें मार रहा भाई, आओ दिल्ली 500 रुपए सवारी। तीन बड़ी भी आई और भाई ना उनके मुंह में दांत थे ना पेट में हाथ थी। अच्छा जी। कहने लगे बेटा दिल्ली जा रहा है कि मैंने हाँ अम्मा बैठ जाओ। क्या बात कर रहे बाबा? कह रहे बेटा मैंने उनसे कहा मैंने अम्मा 500 रुपए सवारी लेगेंगे। अच्छा कहने के कोई बात नहीं बैठ गया भाई, बिठा लिया हमने। वो उतर गया भाई डासने के पास उतरी और मेरे को निकाल के उन्होंने एक एक जने ने 3 रुपए दे दिए। 1-1 रुपए मैंने अम्मा क्या दे रही हो ये, क्या कह रही हो ये, 500 रुपए सवारी में लेके आया हूँ तुम्हारे को मैं। गजब बेइज्जती। कह लगे इतने देते हैं हम, तुझसे लिए जाए तो ले लें। कोई तरीका है भीख मांगने का? मैंने कहा अम्मा एक काम करो ये भी किसी को फकीर को दे देना। ओ हो हम भी तो तुझे फकीर समझ के ही दे रहे हैं। अबे आग तो जब लगी जब उतर के कह रही है बेटा रोड तो पार करा दे कम से कम। Thanks for watching, subscribe, Chatpata Nation.